हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रेयंस बांथिया और आप देख रहे हो बांथिया ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी चैनल। हम देख रहे थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अभी तक हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स मतलब ही पैसेजेस ऑलरेडी सॉल्व करके देखे हैं, और पहला सेशन हमने जो देखा है वो बेसिक्स वाला था। तो अगर आपने बेसिक्स नहीं देखे होंगे अभी तक, तो प्लीज़ ऊपर जो कार्ड आ रहा है उसमें लिंक दी हुई है, तो आप उसको क्लिक करके सबसे पहले वो वीडियो देखिए। चलिए देखते हैं फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सबसे आखिरी लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 5। इसमें हम एक पैसेज सॉल्व करने वाले हैं, और इस बार मैं जैसा इसके पहले हर पैसेज आपको एक्सप्लेन कर रहा था डिटेल में, उस तरीके से नहीं करते हुए जस्ट मैं आपको कुछ की पॉइंट्स दिखाऊंगा जो मैं पढ़ रहा हूँ। या चलिए देखते हैं फिर डायरेक्शंस 1 to 5। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड। Mankind's experience of various evolutionary changes from primitive times, मतलब ही बहुत पहले के time, to the present day have been extensive and varied. Extensive and varied यहाँ पर important है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। However, हालांकि man's problems were never before as complicated as they seem to be today. मतलब पहले इतने problems जो इंसान को आज लगते हैं या दिखते हैं उतने complicated पहले नहीं थे, उतने जटिल पहले नहीं थे। मैंस इकोनॉमिक एक्टिविटी सेंटर्स प्राइमरीली अराउंड प्रोडक्शन। सारे लोग, हम लोग जो है वो इकोनॉमी से रिलेटेड काम करते रहते हैं, वो प्राइमरीली बेस्ड होती है हमेशा प्रोडक्शन पे। सो लेबर इज सेट टू बी द प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट्स रोल देयरफॉर हैज बीन गिवन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। मतलब ही लेबर बाय डिफॉल्ट अपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। इट शुड बी यूजफुल टू हैव एन ओवरऑल व्यू of the economic history of man from the nomadic times. Nomadic times मतलब यहाँ पर बहुत ही पुराना दौर, to the modern factory system and study its relevance to the various labor problems of today. मतलब ही यहाँ पर ये history से लेके तो अभी तक का पूरा एक संक्षिप्त में information देने की इच्छा रखता है। Initially मतलब सबसे पहले, man passed through the hunting and fishing stage. Hunting और fishing सबसे पहले की उसने, during this period his basic needs were adequately met by nature. मतलब निसर्ग से ही उसे जो चाहिए था वो उसे मिल जाता था, मिल जाया करता था। Wild animals, birds and fruits satisfied his hunger and his thirst was quenched. Quenched मतलब ही प्यास बुझा देना, by the waters of springs and rivers. तो उसका खाना होते थे जानवर, पक्षी या फिर फल, और पानी उसे मिल जाता था नहर या फिर नदी से। Caves gave him shelter and bark of tree were used as clothing. मतलब ही गुफाओं में वो रह लेता था और पेड़ों के जो छिलके होते थे उनसे वो कपड़े बना लेता था। During this stage of man's progress, labor problems did not exist because of, मतलब यहाँ पर ये reason दे रहा है, because of the absence of any political, इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम। मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या सोशल सिस्टम उस वक्त नहीं थी। देन केम द पेस्टोरल स्टेज, मतलब ये स्टेज नंबर 2 है और ये स्टेज नंबर 1 है, विच वॉज मार्क्ड बाय अ सर्टन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब यहाँ पर अब इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। द नोमैडिक एंड माइग्रेटरी नेचर ऑफ मैन परसिस्टेड। नोमैडिक मतलब पुराने तौर तरीके अभी भी थे, और उस वक्त इंसान एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करता था, मतलब ही यहाँ से वहाँ जाता था। एंड टुगेदर विथ हिज गोट्स एंड कैटल, मतलब भेड़ बकरियाँ जो होती थी उनके साथ वो यहाँ से वहाँ मूव करते थे। ही मूव्ड ऑन टू फ्रेश पैस्चर्स एंड मेडोज, मतलब ही भेड़ बकरियों को चराने के लिए जो अलग अलग रीजन्स लगते थे तो वहाँ पर वो जाता था। सम कॉन्फ्लिक्ट्स वुड समटाइम टेक प्लेस अमंग हर्ड ओनर्स। हर्ड ओनर्स मतलब ही जो ये जानवरों को ओन करता था उनके बीच में कभी कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते थे। फॉर ड्यूरिंग दिस पीरियड द इंस्टीट्यूशन ऑफ नॉमिनल प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप वॉज नॉट नोन। तब प्रॉपर्टी ओनरशिप का कंसेप्ट पता नहीं था, मगर हर्ड ओनर्स के बीच में कभी कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते थे। तो पहले दौर में कभी भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ और लेबर प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि कोई भी प्रकार की सिस्टम नहीं थी। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी सी शुरू हुई, जिसके वजह से सेकेंड स्टेज में हमें
ये पता चलता है कि हर्ड ओनर्स में थोड़ा सा दिक्कत कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे. दिस स्टेज पेव्स द वे फॉर द एग्रीकल्चरल स्टेज. मतलब ही अब यहाँ से तीसरी स्टेज आती है जो कि है एग्रीकल्चरल स्टेज, ड्यूरिंग विच द क्लास सिस्टम बिगेन टू डेवलप. मतलब ही क्लास सिस्टम तब आया. देर वॉज अ स्मॉल आर्टिजन क्लास, मोस्टली सेल्फ एम्प्लॉयड. आर्टिजन क्लास भी था. आर्टिजन मतलब ही जो बुनाई या फिर इस तरीके के आर्टिस्टिक काम करे. एंड देर ऑल्सो लैंडेड प्रोप्राइटर्स और जमींदार्स एज वेल एज स्लेव्स. मतलब अब इस दौर में जमींदार होने चालू हो गए थे और नौकर भी रहने चालू हो गए थे. दस अरोज द फ्यूडल सिस्टम. फ्यूडल सिस्टम मतलब आज पुराने दौर का सिस्टम जो हम मानते हैं जहां पर जमींदार हुआ करते थे, तो उस सिस्टम को फ्यूडल सिस्टम कहा गया है. मतलब पुराना सिस्टम. ड्यूरिंग द फोर्थ स्टेज ऑफ दिस डेवलपमेंट्स द हैंडीक्राफ्ट्स एज. मतलब ही अब ये फोर्थ एज है, हैंडीक्राफ्ट्स एज. अ नंबर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस टुक प्लेस विच मार्क द बिगिनिंग ऑफ द लेबर प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड. मतलब ही अब यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स एज में सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस बहुत सारे हुए थे जिसके वजह से लेबर प्रॉब्लम इस दुनिया में आई. द सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी ऑफ द विलेज अंडरवेंट अ ड्रास्टिक चेंज. मतलब पहले के दौर में विलेजेस जो रहते थे वो सेल्फ सस्टेन रहते थे इकोनॉमिकली, मगर अब वो नहीं रहते. द कम्युनिटी ऑफ ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स इमर्ज्ड. मतलब ही अब ट्रेडर्स और मर्चेंट्स आ गए थे. तो ये पैसेज है 314 वर्ड्स का और ये काफ़ी आसान पैसेज है और ये आया था CDS के एग्जाम में 2019 में और ये पैसेज मैंने लिया है upsc.gov.in से. अब बाकी जो UPSC मेंस के लिए प्री के लिए जो पैसेजेस आते हैं वो पैसेजेस काफ़ी लेंदी होते हैं और इसीलिए मैं उनका एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, मगर स्ट्रैटेजी हमारी कोई भी टाइप का क्वेश्चन आने दो सेम रहेगी. चलिए देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस. ह्यूमैनिटीज इवोल्यूशन फ्रॉम प्रिमिटिव स्टेज टू द प्रेजेंट हैज बीन स्टैटिक एंड स्मूथ. स्टैटिक मतलब ठहरी हुई है क्या? तो नहीं. ह्यूज एंड डाइवर्सिफाइड, तो हाँ ये हो सकता है. ऑलवेज वॉयलेंट, तो हमेशा ही झगड़े होते थे ऐसा कुछ नहीं है. ऑलवेज पीसफुल, तो ऐसा भी नहीं है. तो सिर्फ बी ऑप्शन सही लगता है यहाँ पर, इसलिए ये आंसर सही है. चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन. मैंस प्रॉब्लम्स वर नेवर बिफोर एज कॉम्प्लिकेटेड एज दे सीम टू बी टूडे. इसका मतलब क्या है? द प्रेजेंट टाइम्स आर द बेस्ट टाइम्स फॉर ह्यूमैनिटी. तो नहीं, आज प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है ऐसा बोलना है. द प्रेजेंट टाइम्स आर क्रूशियल पीरियड फॉर ह्यूमैनिटी. तो क्रूशियल, ऐसा क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण है, तो ऐसा कुछ है नहीं. द प्रेजेंट टाइम्स पोज मच मोर चैलेंजेस टू ह्यूमंस देन द प्रीवियस टाइम्स. तो हाँ ये बात की है हमने कि पहले के दौर से आज के दौर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं. द प्रेजेंट टाइम्स प्रोवाइड मच मोर फैसिलिटी देन द प्रीवियस टाइम्स. तो फैसिलिटी के बारे में कोई बात की ही नहीं है पैसेज में, तो ये इरेलेवेंट ऑप्शन है. चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन. Why does the author say that labor problems did not exist during the hunting and fishing stage? तो क्यों नहीं होते थे? क्योंकि तब कोई सिस्टम थी ही नहीं. और ये डायरेक्टली पैसेज में दिया हुआ है. There was no nation existing at that time. तो ऐसी कोई बात की नहीं है. There was no capitalization and markets. तो ऐसी भी कोई स्पेसिफिक बात की नहीं है. And there were no labor loss. तो labor loss के बारे में तो कोई बात की ही नहीं है. तो आपका डायरेक्टली हो जाता है और आंसर ऑप्शन बी जो है, देयर वाज नो इकोनॉमिक पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम. द पैस्टोरल एज वाज मार्क्ड बाय अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. हाउ? तो पैस्टोरल एज में क्या होता था? तो हर्ड्स ओन करते थे हम लोग. ह्यूमन स्टार्टेड माइग्रेटिंग एंड हेल्ड गोट्स. ये सही ही हो सकता है. Humans started owning land, तो इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दी नहीं है. Conflict started as human owned goats. तो ये economic growth के बारे में है कि conflict के बारे में? तो conflict के बारे में है, तो इससे economic growth का कोई भी संबंध नहीं है. Humans started doing agriculture, तो नहीं, इसके बाद वाले stage में agriculture शुरू हुआ, तो इसलिए आपका आ जाता है आंसर ए. चलिए देखते हैं आखिरी सवाल. Which word in the passage means surfaced? Surfaced यहाँ पर quenched मतलब बुझाना, मतलब ही प्यास बुझाना या फिर आग बुझाना, तो ये आंसर नहीं हो सकता है. इमर्ज्ड मतलब ही सरफेस्ड आएगा. नोमैडिक मतलब पुराना, तो वो भी नहीं है, मतलब पुरातन काल का. एडिक्वेटली मतलब काफ़ी, जितना ज़रूरी है उतना, तो ये भी नहीं आएगा, इसलिए इमर्ज इसका आंसर आएगा. आशा करता हूँ दोस्तों कि आपके आरसीज भी मैंने जितने तेज़ी से ये सॉल्व की है
उतनी ही तेजी से आप आपके एग्जाम्स में आपकी आरसीएस सॉल्व कर पाए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। आप ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारे चैनल का इसी तरीके से कोई भी लेक्चर सेशन मिस नहीं करना हो तो प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।